देखो बेटा, तुम बेशक काम मत किया करो, लेकिन अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखा करो। तुम्हें अपना ही नहीं, अपने आने वाले बच्चे का भी सोचना है। जी। दरअसल राबिया डरती है उस शख्स का नाम बताते हुए जिसने ये काम किया। शायद वो डरती है कि ना जाने उसे साथ क्या होगा। भाई, बेटा, दोस्त, अरसाम, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी हूँ। ये रिश्ता सबसे ज्यादा अजीम होता है। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी हिस्सेदार हूँ। सलीम साहब, आप उसको देख लीजिएगा। जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मनाहिल, तुमने मेरी व्हाइट वाली शर्ट देखी है? गंदे कपड़ों में तो नहीं पड़े? पता नहीं यार, प्लीज आके देख दो। जी जी, उस पार्टी को मैं देख लूंगा। आप? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा। जी, हेलो हेलो, एक मिनट, बाहर आता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। आप एक मिनट रुके। खुद भी कह देती है तो मैं कभी यकीन नहीं करती, कभी यकीन नहीं करता कि वो कोई ऐसा काम कर सकती है। और हां भाई ने बताया था कि तुम उन लोगों को जानते हो। क्या तुम हमारी मदद कर सकते? हेलो आबिया, हमारा प्लान फेल हो गया है। क्यों? पता नहीं, मैं तो ये समझ रही थी कि सुबह सुबह बहुत बड़ा हंगामा होगा, लेकिन वो दोनों तो आराम से नाश्ता कर रहे हैं, वो भी हंसी खुशी। वैसे उन दोनों का चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि उन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं या उन्हें मिल गई हों। राबिया, तुम मेरी बात सुन रही? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। क्या हुआ, बिजी हो गई या अरसाम आसपास है, मुझे बता दो। नहीं, मैं फ्री हूँ, अकेली बैठी हूँ। अब फायजा, तुमने तस्वीरें कबर्ड में ही रखी थी? हाँ, बिल्कुल उसी जगह पर रखी थी मैंने। अच्छा, हो सकता है मिली ना हो। वैसे तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ी हुई हो? सब खैरियत तो है ना? I'm fine. देखो राबिया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो भी बड़ी, इसलिए मुझे सच सच बता दो, तुम्हारे और अरसाम के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं फायजा, दरअसल बात यह है कि अरहाम ने अरसाम से कहा है। क्या हुआ अरहाम? अगर मैं आज ऑफिस ना जाऊं तो फिर असलम भाई परेशान हो जाएंगे। क्यों? वो क्यों परेशान हो? मुझसे पहले भी वो अकेले ही थे, अकेले ही काम संभालते थे।
पर उस वक्त खालू जिंदा थी, अब वो वाकई अकेले। हाँ, अब्बू के होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि हम बच्चे ही रहते, कभी बड़े ना होते। हाँ, और ना हम कभी एक होते, ना हमारी शादी होती, और यूं यहाँ पे आप इस तरह खड़े ना होते मेरे साथ, और ना ही आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते। यार मनाहिर, मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती हो। हाँ, लेकिन इस वक्त तो आपको जाना चाहिए ऑफिस, वरना ऑफिस वाले घर आ जाएंगे। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी क्या लगी हुई है मुझे ऑफिस भेजने की? अभी से मोहब्बत खत्म हो गई क्या? अभी तो हमें बुढ़ापा भी देखना है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है, इसीलिए तो आपको दूर भेज रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि दूर जाने से मोहब्बत और बढ़ जाती है, ताकि शाम तक मोहब्बत और बढ़ जाए। वैसे मेरे साथ रहते हुए तुम्हें बातें बनाना भी आ गया। आपने जो अपने रंग में रंग दिया मुझे, असर तो होना ही था ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, फोन करूँगा। ओके ओके। अरे मनाहिर। जी खाला। ये कहाँ भागी भागी जा रही हो, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं अपना? नहीं खाला, वो मैं। क्या वो, पैर उलट पलट हो गया तो फिर? जरा ध्यान रखा करो। सॉरी खाला, आइंदा ख्याल रखूंगी। कहाँ जा रही हो? वो मुझे बस ऊपर जाना है। अब तुम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगी और फिर नीचे आओगी और फिर जाओगी, क्या हो गया तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है ऊपर कमरे में जाने की, क्या जरूरी है? वो खाला, मुझे असल में अपना कमरा साफ करना है। तुम्हारा कमरा मुलाजमा भी ठीक कर सकती है, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं, अभी एक ही दफा जाना शाम को। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रही हूँ। मेरे साथ आओ, आ जाओ जल्दी आओ। जाओ खास तौर पर तुम्हारे लिए मेवे मंगवाए हैं मैंने, और ये देसी घी भी। देखो पराठा खाओगी तुम रोज अच्छी तरह देसी घी के साथ, हलवा भी बना दूंगी मैं तुम्हें। ये लो, ख्याल रखना अपना, ठीक है? जी खाना, अब मैं जाऊं? बैठो ना, क्या जल्दी है जाने की। देखो तुम अभी तक यहीं पे ही हो? तेज हाथ से ला लिया करो, क्या कर रही हो? काम कर रही। इधर आओ। जी बीबी। जाओ मेरा वॉशरूम साफ करो कमरे का, जल्दी जाओ। बहुत बोर हो रहा हूँ यार, कहीं लंच पे चले? हेलो राबिया, राबिया तो कह रहा हूँ कहीं लंच पे चले, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मेरा मूड नहीं हो रहा। ओके, दिल में रखने से तुम्हें दुख होगा, बेहतर ये कि सब दिल से निकाल दो। कम ऑन राबिया, बता दो। ऐसा कुछ नहीं यार साहब। तो फिर यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो, या फिर मैं तुम्हारी वाली बातें रिपीट करूं जो तुमने मुझसे सुबह आते वक्त कही? मतलब मुझे अरहाम की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरहाम भाई की बात? क्योंकि पता नहीं अरहाम ऐसा कर क्यों रहा है। अरहाम भाई ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा था, वो तो एक्चुअली तुम्हारी हेल्प चाहते हैं। कहां से करूं मैं हेल्प, जबकि मैं कुछ जानती ही नहीं हूं। ए बाबा, रिलैक्स, क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा?
तुम्हें ये सब बता के क्या हासिल करना चाहते हैं? राबिया, मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और हाँ, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है। फिर मुझे इस वाकये में शामिल करने की वजह? इट्स ओवर राबिया, अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं। और भूल जाओ जो भी मैंने या अरहाम भाई ने कहा। अरहाम के कहने का तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अरसाम तुम भी मेरे साथ इतना अजीब बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं हो। मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ। सॉरी राबिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मेरा यकीन करो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं। इन्हें यहाँ क्यों ले आई? क्या मकसद था इनको यहाँ लाने का? मुझे लगा कि मनाहिल की तस्वीरें देख चुकी होगी। देखो, बात सिर्फ ये थी कि मनाहिल बहुत बेचैन सी लग रही थी, उसे कमरे में जाने की बहुत जल्दी थी। मेरे ख्याल से वो इसलिए जाना चाह रही होगी ताकि ये तस्वीरें गायब कर सके। अगर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता तो हम फंस जाते। बस इसलिए मैं वापस आ गई। राबिया, सुन रही हूँ मैं। तुम भी तो कुछ बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। कुछ नहीं। तुम ऐसी क्यों हो गई हो? चलो यही बोल दो। पायजा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। राबिया, मेरी बात तो सुनो। अब इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगा तुम सो रही हो, इसलिए वापस जा रही थी। नहीं नहीं आओ सना, अब तो मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहने लगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे ही सब परेशान होते हैं। जाहिर है, एक जिस्म दो जान, परेशान होना बनता तो है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा तुम कुछ परेशान हो। नहीं, बस वो थोड़ी सी बेचैनी। बेबी वाली, मैं आपसे सोचती हूँ कैसा फील होता होगा, माँ बनने की एक्साइटमेंट, परेशानी, एंजाइटी, सब कुछ मिल। तुम सही हो, लेकिन ये सोचा नहीं इसे फील किया जा सकता। माँ बनना एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। जब भी कोई चीज हमारी होती है, हम उसके लिए कितना पजेसिव हो जाते हैं। जैसे बचपन में खिलौने, हम उनको अपने साथ सुलाते थे, झूठ मूठ में खाना खिलाते थे, सारा दिन उसी खिलौने में लगा रहता था। अब ये सोचो कि आपको एक जान से भी प्यारा खिलौना मिलने वाला, जो आपका खुद का हिस्सा है, बस और क्या बोलूँ। बहुत खूबसूरती से बयान किया है तुमने मनाइल। अच्छा, तुम्हें वो कॉलेज वाली मिस शमीम याद है? तो जो उर्दू की थी, उनकी शादी होने वाली है। अच्छा, वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंतजार किया हमने। हाँ, सारी क्लास फेलोज कह रही हम जाएंगे, तुम चलोगी? अगर तुम जाओगी तो मैं भी चली जाऊंगी साथ। वैसे शादी कैसे हो रही है उनकी? पता नहीं है कोई। सॉरी राबिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मेरा यकीन करो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं। किसे धोखा दे रही हूँ मैं? खुद को या अरसाम को?
अरहाम की बात का मुझे इतना बुरा क्यों लगा? आखिर वो है ही कौन मेरा? उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह है भी कि नहीं? मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने ही तो किया है। अरसाम और राबिया कहाँ? मुमानी जान शायद अपने कमरे में होंगे। ये तो मुझे पता है, लेकिन खाने पर क्यों नहीं आए? मुझसे तो अभी कह कर गया था कि मैं राबिया को बुलाने जा रहा हूँ। अरहाम का है? जी अरहाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ यार। तुम मुझे मिस नहीं कर रही? नहीं, मेरा मतलब हाँ, वो हम सब खाना खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो डर लग रहा है मम्मी से। इश्क मुश्क छुपाए ना छुपे, इसमें डर की कोई गुंजाइश नहीं। जी वैसे सच बताऊं, मुझे इस वक्त तुम्हारी हालत सोचकर हंसी आ रही है। क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। अच्छा एक बात सुनो, रफिया। जी पानी जी मोमन। अरे राबिया बेटा, कैसी हो? है बताया ही नहीं कि तुम आने वाली हो। बस दिल किया तो आ गई। चलो बहुत अच्छा किया, शादी के बाद तो घर की जैसे रौनक ही खत्म हो गई है। सारा दिन पड़ी रहती हूँ ऐसे ही, कभी यहाँ कभी वहाँ। थकी हुई हो क्या? नहीं। तो फिर इतनी गुमसुम सी क्यों? कुछ नहीं अम्मी। सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो कुछ खाने को है, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ, चलो अंदर। पता नहीं इसे क्या हो गया है। तुम दोपहर में कैसे जवाब दे रही थी? प्लीज दोबारा दो ना। नहीं। ये क्या था? बस आराम, ऐसे नहीं करें। मैं वो मोमेंट दोबारा देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे दिख रही हो। क्यूट सी, शर्माई शर्माई सी, प्यारी सी। हाँ क्यूट तो मैं वैसे भी हूँ। जी तभी तो हम अपना दिल दे चुके हैं। क्या हुआ है, खा क्यों नहीं रही? तुम्हें तो बड़ी भूख लगी थी ना। बस मेरा दिल नहीं कर रहा। देखो बेटा, अपनी माँ के साथ झूठ नहीं बोला, सच बताओ मुझे क्या बात। अम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मुझे अरसाम से शादी नहीं करनी चाहिए थी, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, और इस वक्त मुझे किसी के सलाह या मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ हुआ है तो सच सच बताओ राबिया, मसले का ऐसे हल नहीं निकलेगा। मुझे हल निकालना भी नहीं है, बस मैंने फैसला कर लिया, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ, और सामने कुछ कहा है? अम्मी आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? अगर आपको मेरा साथ नहीं देना तो ना दे, मैं कहीं और चली जाऊंगी। बेटा ऐसे जज्बात में आके फैसले नहीं किया करते, शादी ब्याह कोई दो लफ्जों का खेल नहीं है।
मैं यही तो समझ बैठी थी, पता नहीं क्या सोच रही थी मैं। जुनून सवार था मुझ पर और हाम से बदला लेने का, और उस आग में अब खुद ही जल रही हूँ। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। देखो जहां तक मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे अबू आ गए, खुदा के लिए उनके सामने ऐसी कोई बात ना करना, समझी तुम? कोई भी नहीं जानता था कि तुम कहाँ हो। ऐसे में हमारा हक नहीं कि हम ये जान सके कि तुम खैरियत से हो, कहाँ हो। मैंने एक वकील से बात की है। अच्छा, क्या कहा वकील ने? अब तो हमारा काम हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो राबिया के शेयर्स भी हमारे साथ। पहले मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा है कि काम हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखो राबिया, तुम हद से। अभी मैंने अपनी हद पार की ही कहा है। तुम बस देखते जाओ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। जब सूखी लकड़ी।